सतसैया के दो परे, जो नाविक के तीर देखन में छोटे लगे, घाव करे गंभीर। इस प्रसिद्ध दोहे के रचनाकार कवि बिहारी रीति काल में रीति सिद्ध कवियों में अपना सर्वश्रेष्ठ स्थान रखते हैं। बिहारी ने अपने दोहों में गागर में सागर भरा है। जीवन के अनेक विध अनुभवों की उनकी कविता में देखा जा सकता है। वे बहुज्ञ थे, बहुश्रुत थे और सभी क्षेत्रों में अपना संपूर्ण आधिपत्य रखते थे। दोहे जैसे छोटे छंद में उन्होंने अपने मन की अनेक भाव दशाओं को, समाज की विकृतियों को और भक्ति से संबंधित समस्त विचारों को भरकर पाठक को चमत्कृत कर दिया है। बिहारी प्रसिद्ध कवि थे। वे अपने आश्रयदाताओं को प्रसन्न करने के लिए श्रृंगार रस की उक्तियों को भी विशेष महत्व देते थे। श्रृंगार रस के दोनों पक्ष संयोग और वियोग पर उनका समान अधिकार था। उन्होंने नीति, भक्ति और जीवन के व्यवहारिक पक्ष पर भी बहुत अच्छा लिखा है। भावुकता, रसिकता, प्रभावशीलता उनके काव्य के बेजोड़ अंग हैं। बिहारी कवि ने अपनी बात को प्रस्तुत करने के लिए ब्रज भाषा को काम में लिया है। बोलचाल की भाषा का प्रभाव भी उनके काव्य में देखने को मिलता है। बिहारी वैसे तो सर्वश्रेष्ठ श्रृंगारी कवि है और श्रृंगार के दोनों पक्ष संयोग और वियोग पर उनका मन रमा है। वियोग वर्णन में उन्होंने ऊहात्मक होने के साथ साथ हास्यात्मक वर्णन भी किया है। बिहारी संयोग श्रृंगार चित्रण में बहुत सफल हुए हैं। संयोग के विविध पक्ष और नाना क्रीड़ाएँ मुद्राएँ उनके सूक्ष्म निरीक्षण का आधार बनकर काव्य में उतरी हैं। नायिका के अनंत सौंदर्य पर कवि की दृष्टि है। नायिका के अंग सौष्ठव नायक के आकर्षण का कारण रहे और द्वितीय योजना पर भी उन्होंने विशेष प्रभाव दिखाया है। इसके अलावा उन्होंने भक्ति और नीति से संबंधित दोहे भी लिखे हैं। उनको केवल भक्ति नहीं है, उन्होंने नीति संबंधी दोहों को लिखकर भी अपनी बात को कलात्मक तरीके से और प्रभावशाली शैली में संक्षिप्त मुक्तक काव्य की दृष्टि से अपने विचारों को प्रकट किया है। कवि बिहारी ने रीति काल में प्रकृति के उद्दीपन और आलंकारिक रूप को भी प्रस्तुत किया है। प्रकृति के आलंबन रूप को भी चित्रित करने में उन्होंने पूर्ण सफलता प्राप्त की है। उन्होंने प्रकृति के वर्णन को करते समय इस तरह से वर्णन किया है, ऐसा लगता है मानो प्रकृति अपने समस्त सौंदर्य के साथ महासाकार हो गई है। इसके अलावा वो ज्योतिष, वैद्य, गणितज्ञ, व्याकरण शास्त्र और अन्य शास्त्रों के ज्ञाता भी थे। कवि बिहारी ने नारी सौंदर्य की विरहपूर्ण उक्तियाँ, कोमलता, सरसता, भावुकता जैसी समस्त विचारों से परिपूर्ण काव्य को उन्होंने लिखा है। आज हम कवि बिहारी के जिन दोहों की व्याख्या करेंगे वो भक्ति संबंधित होंगे। कवि बिहारी श्री कृष्ण के भक्त थे। उन्होंने श्री कृष्ण के जिस रूप का वर्णन किया है वो साधारण नायिका के रूप में तो है ही, लेकिन यहाँ उन्होंने ईश्वरी रूप की कल्पना करते हुए उसका वर्णन किया है। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोय, जातन की झाई परे श्याम हरित दुति हो। कवि बिहारी का इस दोहे में कहना है, हे चतुर राधा, राधा नागरी सोय, हे चतुर राधा मेरी इस सांसारिक बाधाओं को दूर करो। कौन सी राधा? जातन की झाई परे श्याम हरित दुति हो, कि जिस राधा के शरीर की झाई पड़ने पर श्याम हरित दुति वाले, हरे चमक वाले हो जाते हैं। ये इसका शाब्दिक अर्थ है, लेकिन हर कवि काल शाब्दिक अर्थ पर नहीं जीवित रहता है, बल्कि हर कवि का दोहे कविता लिखने का भाव कुछ दूसरे होता है। इस दोहे में कवि ने
राधा को चतुर राधा बताया, राधा नागरी सो हे चतुर राधा मेरी संसारिक बाधा को, चतुर राधा कहके उसको राधा पर विशेषण लगा दिया, उसको प्रसन्न किया है। किसी व्यक्ति को हम उसकी उसको प्रसन्न करने के लिए उसकी विशेषताओं को बढ़ा चढ़ा कर वर्णन करते हैं, तो इसमें कवि ने नागरी राधा कहकर, चतुर राधा कहकर भव बाधा सांसारिक बाधाओं को दूर करने का प्रयत्न करने के लिए कहा है। और वो कौन सी राधा, कि राधा और कृष्ण का प्रेम अटूट है। तो श्याम जो है, श्री कृष्ण जो है, जिस राधा को देखते प्रसन्न जाते हैं वो राधा कृष्ण को देख के प्रसन्न होती है। तो क्योंकि राधा पर श्री कृष्ण निर्भर रहते हैं, तो राधा की हर बात को श्री कृष्ण मानेंगे। राधा जो है श्री कृष्ण की प्रेमिका है, इसलिए अपने प्रेम को रखने के लिए श्री कृष्ण को राधा की बात माननी पड़ेगी। इतनी लंबी चौड़ी बात सोचकर यहाँ कवि ने राधा को चतुर कहा है, चतुर करके राधा को प्रसन्न किया है। और राधा को जब प्रसन्न हो जाएगी तो वो श्री कृष्ण को प्रसन्न करेगी। तो इतनी विचारणीय बात पर सोचकर विचार कर कवि ने राधा नागरी सोकर कहकर मेरी सांसारिक बाधाओं को दूर करने के लिए श्री कृष्ण से, राधा से निवेदन करने के लिए कहा। और श्री कृष्ण कौन है, हरित द्युति। अब श्री कृष्ण प्रसन्न कब होते हैं, जब वो राधा को देखते हैं। यहाँ पर तन की झाई और श्याम हरित द्युति, उसमें दोहरार्थ है। मतलब तन की झाई पढ़ते ही, यानी तन की झाई तो मतलब यह है कि श्री कृष्ण नीले रंग के हैं और राधा का रंग पीला है, राधा गोरी है, गोरे रंग को पीला रंग मानते हैं, श्री कृष्ण श्याम वर्ण के हैं। तो जब श्री कृष्ण राधा को देखेंगे तो वो हरे हो जाएंगे, हरे का मतलब यहाँ प्रसन्न है। और कलर में जब रंगों का संयोजन करते हैं तो पीला और हरा रंग मिलके पीला और नीला रंग मिलके हरा रंग बनता है। तो शाम जब तुम्हें देखेंगे, राधा को देखेंगे तो प्रसन्न हो जाएंगे। इस छोटी सी बात को समझाने के लिए उन्होंने इतनी बड़ी, मतलब एक छोटा सा निवेदन उनको करना है कि मेरी सांसारिक बाधाओं को दूर करने के लिए ये चतुर राधा आप श्री कृष्ण से निवेदन करो। और वो निवेदन किससे करो, जिस जो श्री कृष्ण राधा को देखते ही प्रसन्न हो जाते हैं, और रंगों के उसमें जब पीला और नीला रंग मिलता है तो हरा रंग बनता है। इसी का वर्णन करते हुए श्री कृष्ण ने छोटा सा निवेदन इस भक्ति भाव के दोहे में प्रस्तुत किया है। इसी तरह से अधर धरत हरि के परत ओट दीठ पट ज्योति, हरित बांस की बांसुरी इंद्रधनुष रंग होती। इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। जब कृष्ण हरित बांस की बांसुरी ओट दीठ पट ज्योति, जब हरे रंग की बांसुरी श्री कृष्ण अधर धरत जब अपने होठों पर धारण करते हैं तो वो इंद्रधनुष से कैसे लगते हैं ये बता रहे। कृष्ण का इंद्रधनुष रूप बांसुरी जाते समय कैसे होता है ये इस दोहे में बताया गया है। अधर धरत हरि के पर, जब हरि अपने होठों पर बांसुरी को धारण करते हैं तो उनके होठों की, उनके दृष्टि की, उनके वस्त्रों की ज्योति है, और हरे रंग के बांसुरी की जो ज्योति है सब मिलके इंद्रधनुष से हो जाते हैं। कैसे होते हैं, इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। होठों का रंग लाल, दृष्टि का पीला सा सफ़ेद सा, पट वस्त्र जो हैं पीले रंग के हैं, और हरित बांस की बांसुरी हरे रंग की है, 4 रंगी हो गए हैं। जामुनी है, बैंगनी है, इन रंगों के साथ से संयोग से जो रंग बनते हैं। तो इस तरह से 7 रंग बांसुरी उपजाते समय श्री कृष्ण दिखा देते हैं, तो ऐसा लगता है यहाँ इंद्रधनुष की ज्योति हो गई। इसी तरह से या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल कोई। इसमें कवि ने कहा है, भक्ति संबंधी दोहा है ये, इसमें विरोधाभास अलंकार है। विरोधाभास अलंकार इसलिए इन्होंने कहा है, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल हो। श्याम का मतलब काला होता है, श्याम का रंग मतलब कृष्ण भी है, और उज्जवल का मतलब होता है सफ़ेद। तो यह जो अनुरागी चित्त है, अनुराग किससे है, ईश्वर से, कृष्ण से, कि जिस व्यक्ति का मन ईश्वर के प्रेम में लग गया है उस प्रेमी मन की गति को कोई नहीं समझ सकता। संसार का नियम है कि हम काली चीज में हाथ डालेंगे या कोई वस्तु डालेंगे या कोई कपड़ा डालेंगे तो वो काला होता है, लेकिन यहाँ काला कौन है,
श्री कृष्ण, श्याम श्री कृष्ण और काला दो अर्थ है। तो जैसे जैसे हम श्याम के रंग में डूबेंगे, यानी जैसे जैसे हम श्याम की भक्ति करेंगे, श्री कृष्ण की भक्ति करेंगे, वैसे वैसे क्या होगा, व्यक्ति का मन जो है पवित्र होगा, उज्ज्वल होगा और वो ईश्वर के अधिक निकट पहुँचेगा, उसमें ज्योति व्याप्त हो जाएगी, उज्ज्वलता आ जाएगी। तो इसमें कवि ने यह कहने का प्रयास किया है कि श्री कृष्ण के प्रति किसी व्यक्ति के मन में, किसी प्राणी के मन में अनुराग जब उत्पन्न हो जाता है, तब उसकी जो गति है, उसकी स्थिति को कोई नहीं समझ सकता। क्यों? क्योंकि जो जो व्यक्ति श्याम के रंग में डूबेंगे, श्याम श्री कृष्ण के भक्ति में डूबेंगे, जो जो जितना अधिक गहरी भक्ति करेंगे, व्यक्ति का मन उतना अधिक उज्ज्वल हो जाएगा, उतना अधिक पवित्र हो जाएगा। तो काले का यहाँ विरोधाभास अलंकार हो गया, काला और श्याम कृष्ण, तो काले में डालने से काला होता है, लेकिन यह विरोधाभास अलंकार इसलिए है क्योंकि काला श्याम है और उसके रंग में, उसकी भक्ति में, उसके प्रेम में डूबने से व्यक्ति का मन उज्ज्वल हो जाता है, पवित्र हो जाता है।